अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एसन महमूद एंड वेलकम टू जायंस। लास्ट वीडियो में हमने न्यूज़पेपर ऐप के हेडर और फुटर सेक्शन को रिस्पॉन्सिबल बनाया था और उसके डिजाइन को कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम बेसिकली होम पेज की लेआउट को कंप्लीट करेंगे और उससे पहले हम बेसिकली जो हमने तीन से चार जो अपने न्यूज सोर्सेज को डिफाइन किया था उनको पोस्टमैन में टेस्ट करेंगे ताकि हमें ये चीज समझ लग सके कि उनकी जो रिस्पॉन्स पैटर्न है, उनका जो रिस्पॉन्स है वो किस फॉर्मेट का आता है, क्योंकि वो हमने बैकएंड लारावेल में से उसको कॉल कर रहे होंगे। हम फ्रंट एंड में से भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो फिल्टर करना है, ATC करना है, वो सारा हम अपनी बैकएंड की API करेंगे। वो बैकएंड की API आगे फर्दर थर्ड पार्टी APIs को कॉल करेगी, डाटा लेके आएगी, उनको सॉर्ट आउट फिल्टर वगैरह जो भी करना है, और एक फॉर्मेट में मर्ज करके डाटा हमें फ्रंट एंड पे रिटर्न करेगी। तो ये रिक्वायरमेंट है। चलते हैं वीडियो की तरफ। स्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ पे ब्राउजर में आ जाऊंगा, और इससे पहले कि हम किसी API को डायरेक्टली टेस्ट करना स्टार्ट करें, हम एक दफा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कौन कौन सी थर्ड पार्टी APIs डाटा सोर्स की डिफाइन की थी। एक वंस अगेन ये डॉक्यूमेंट आप सबके लिए अवेलेबल है। अगर आप zions.com/newspaper-app-development-course ये लिख के सर्च करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपके पास ये ओपन हो जानी चाहिए। अगर किसी को भी इस डॉक्यूमेंट को एक्सेस करने में इश्यू हो तो वो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं उसको रिजोल्व करूंगा। अब डाटा सोर्सेज हमारे पास, ये मैंने चार डाटा सोर्सेज डिफाइन किए थे जिनको हम यूज कर रहे होंगे। ये तीन पे आप गूगल की जीमेल को यूज करते हुए अकाउंट्स बना सकते हैं। इसके लिए आपके पास कोई कंपनी ईमेल होना जरूरी है, जैसे कि जो पब्लिक ईमेल ना हो या फेक ईमेल ना हो, जैसे zions.com मैंने यूज की थी। आपके पास अगर कोई अपनी डोमेन है, अपनी प्राइवेट डोमेन, जैसे मेरे पास एक डोमेन ये भी है, तो अगर तो आपके पास इस तरह कोई प्राइवेट डोमेन है तो आप उस प्राइवेट डोमेन पे अपनी ईमेल बना के सिर्फ उस ईमेल को यूज करते हुए इस पहली वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप दूसरी को ट्राई करेंगे तो ये सिर्फ एरर दे देगा कि ये अलाउ नहीं है। मैं करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे इसको एग्री कर ले, यहाँ पर इसको साइन इन को, यहाँ पे साइन अप अगर आते हैं, और लेट्स से मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ, इसको कुछ भी अभी के लिए डिटेल दे देता हूँ, और मैं यहाँ पर अपनी मेन ईमेल यूज करता हूँ जो जीमेल वाली है, और पासवर्ड मैं यही रैंडम पासवर्ड यूज कर लेता हूँ क्योंकि इसमें पास तो होना नहीं है। क्रिएट यूजर, तो ये मुझे एरर दे देगा कि ये वाली जो ईमेल है, मैंने इस पर क्लिक किया, ये नीचे इनका अब एरर भी इनके फील्ड पे एरर नहीं शो। चले हमारी ऐप इससे जरा बेहतर है ये, कि भाई कमर्शियल सर्विस और ये जीमेल के साथ प्रोवाइड नहीं करता। इवन अगर आप एक फेक ईमेल प्रोवाइडर है योपमेल, अगर आप इसको भी यूज करेंगे, लेट से मैं योपमेल पे जाता हूँ, तो ये ब्लॉक है, क्लिक और इनवैलिड ईमेल। ओके, और अगर मैं जायोन से ट्राई करूंगा तो ये पास हो जाएगा, जो कि मैं नहीं करूंगा, मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ। आप इन तीनों पे, अगर तो आपके पास अपनी कोई डोमेन है तो इस पे अकाउंट बना ले, वेल एंड गुड। ऑब्वियसली मैं इस कोर्स में इसको भी यूज कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपके पास नहीं होगा तो आप सिंपली इसका जो कोड स्टेप हो गए उनको स्किप करते जाएंगे और बाकियों को इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। ये हमारे पास, सॉरी इसको बंद कर देते हैं, ये हमारे पास बाकी तीनों है, पहली को भी ओपन कर लेते हैं और इसको पहले ले आते हैं। और ये हमारे पास चार सोर्सेज हैं, जिनके पास कस्टम डोमेन नहीं होगी उनके लिए तीन सोर्सेज हैं, तो एटलीस्ट तीन सोर्सेज हर एक के पास हो और चार सोर्सेज जिनके पास कस्टम डोमेन। ओके, नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं इस API से। इस पे साइन इन, आपको साइन अप वगैरह करना पड़ेगा। मैं साइन इन करके डायरेक्ट इसका जो कोड होगा, जो API कोड है, वो डायरेक्टली पोस्टमैन में सेट कर दूंगा। यहाँ पे पोस्टमैन को ओपन कर लेते हैं, और बेसिकली यहाँ पर हम तीन से चार इन सब की जो है एक एक फील्ड बना लेते हैं इन्वायरमेंट में, और मैं फिर उनकी वैल्यूज बिहाइंड द सीन सेट कर लूंगा क्योंकि प्राइवेट वैल्यू है और उसको हमने शो नहीं करना। तो मैं यहाँ पे पहले इसको कर लेता हूँ न्यूज़पेपर, न्यूज़ API AI ऐप की। ओके, और ये मैं खत्म कर देता हूँ जस्ट इन केस के ये जो भी एरर आ रहा था वो ना है। यहाँ पे मैं वैल्यू बाद में भी पुट कर दूंगा, इसको मैं यहाँ पे करूंगा, यहाँ पे करूंगा, यहाँ पे करूंगा, तीन दफा,
और ऐप की जगह मैं एपीआई की यूज करूंगा, क्योंकि ये हम ऑब्वियसली है तो ऐप की, लेकिन हम एपीआई के साथ यूज कर रहे होंगे, तो जस्ट इन केस मैं ये करना चाहूंगा। एपीआई और बाकी अब चेंज करेंगे, ये ORG है तो यहाँ पे AI की जगह मैं ORG लिख दूंगा, ORG। नेक्स्ट जो है ये है, तो इसको मैं एज इट इज ये लिख दूंगा और इसमें G को कैपिटल कर दूंगा, और ये NY टाइम्स न्यूयॉर्क टाइम्स है, AI भी खत्म होगा और टी सिर्फ कैपिटल कर दूंगा उसको, वैसे कर दूंगा ये है। इनकी वैल्यूज जो है वो मैं बिहाइंड द सीन नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट होने से पहले कवर कर दूंगा। और वंस अगेन आपकी रिक्वायरमेंट ये होगी कि आपने इन सब पे अपना अकाउंट बनाना है, जिस जिस पे बना सकते हैं, इन तीनों पे तो जरूर बन जाएगा, इस पे नहीं बनेगा तो कोई मसला नहीं, इसके स्टेप्स को आप स्किप कर दीजिएगा और बाकी सबको आपने फॉलो कर दीजिए। ओके, एपीआई कीज मैंने सेटअप कर ली है और अब हम स्टार्ट करेंगे इसकी टेस्टिंग के साथ। इसमें लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, एपीआई की मैंने सेटअप कर दी है, डॉक्यूमेंटेशन में आएंगे और स्टार्ट करेंगे। इस ऐप में हम सिर्फ आर्टिकल्स को डील कर रहे होंगे, बाकी और कुछ चीज को डील नहीं कर रहे होंगे, तो ये क्या कह रहा है। ओके, पैरामीटर योर एपीआई की, ओके इसको करना गेट या पोस्ट। ओके, यहां पे आते हैं, सबसे पहले एक फोल्डर बनाते हैं, न्यूज़ आर्टिकल्स पर पार्टी एपीआई, उसमें एक फोल्डर बनेगा न्यूज़ API.AI और उसमें एक फोल्डर बनेगा, सॉरी रिक्वेस्ट होगी गेट आर्टिकल्स फ्रॉम न्यूज़ API.AI, ये है URL इसका। इसका एज इट इज हिट करूं तो क्या होगा, टोकन एक्सेस वाज प्रोवाइडेड इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। ओके, हेडर्स में आते हैं सबसे पहले और एक्सेप्ट और कंटेंट टाइप को सेट कर देते हैं, एप्लीकेशन जेसन, एप्लीकेशन जेसन से सेंड। ओके, नॉट ऑथराइज, ऑथराइजेशन में आते हैं, बैरल टोकन, और ये बेसिकली वो ऐप का टोकन था, हम यहाँ पे यूज करेंगे डायरेक्टली, कौन सा इसकी हम वैल्यू यूज करेंगे। यहाँ पे मैंने ये API की ऐड कर दिया और उसके बाद अब सेंड करके देखते हैं। ओके, अभी भी ये नहीं हुआ तो आप इसको स्टडी करते हैं कि ये इसको सेंड कैसे करना। पैरामीटर्स, ओके, ये कह रहा है कि मेरे ख्याल से पैराम्स में आते हैं ये, और एपीए की का पैरामीटर ऐड करते हैं और उसका जो वैल्यू है वो ऐड कर देते हैं, सेव सेंड, और ये मतलब पास, ऑथेंटिकेशन पास होगी, नो वैलिड कंडीशंस वर प्रोवाइडेड इन क्वेरी। ओके, अब रिजल्ट टाइप कह रहा है ये, ओके रिजल्ट टाइप इसको कह देते हैं, और वो मुझे आर्टिकल्स चाहिए। उसके बाद आर्टिकल पेज लेट्स से 1, आर्टिकल काउंट्स 10 ही बहुत है, और इसको सेंड करके देखते हैं ये आता है कि नहीं आया। ठीक है, और रिक्वायर्ड पैरामीटर्स को सिर्फ देखते हैं, रिक्वायर्ड पैरामीटर्स कौन से है, बस रिक्वायर्ड यही था, सिर्फ रिक्वायर्ड। ओके, इसको ऑब्वियसली इसको इसीलिए ट्राई कर रहे हैं ताकि हमें चीज की समझ लगे,
ये हमारे पास स्कीमा भी है, जो कि अच्छी बात है, हम इसका स्कीमा बता लेंगे। डिफॉल्ट वैल्यू है, डिफॉल्ट वैल्यू है, डिफॉल्ट डिफॉल्ट, ओके, इसको मैं 7 कह रहा हूँ, 7 डे, और अभी भी ये चीज नहीं, नो वैलिड कंडीशंस वर प्रोवाइडेड इन द क्यूरी पार्ट। ओके, ये क्या था, द सर्च कंडीशंस कैन बी स्पेसिफाइड बाय सेटिंग वन और मल्टीपल सर्च पैरामीटर्स सच एज कीवर्ड, कॉन्सेप्ट, सोर्स यूआई, कैटेगरी यूआई, डाटा सेट ईसी। इफ यू नीड टू स्पेसिफाई अ कॉम्प्लेक्स क्वेरी विद नेस्टेड कंडीशन दैट यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बूलियन एंड और एंड नॉट ऑपरेटर, देन बेस्ट अप्रोच इज टू स्पेसिफाई द क्वेरी पैरामीटर। ओके, मैं सिर्फ कीवर्ड पैरामीटर को कह रहा हूँ, लेट्स से कीवर्ड मैं कह रहा हूँ स्पोर्ट, सेंड, ओके, डन है। तो कीवर्ड जरूरी था, अगर हमने कोई कॉम्प्लेक्स सर्च यहाँ पे करनी है तो उसको हम बेसिकली जरा कर सकते हैं। यहाँ पे वापस आते हैं, हमारे पास रिक्वायरमेंट्स में क्या था, यूजर किस चीज से सर्च कर सके, एक तो यूजर जो है वो कीवर्ड, ये रिक्वायरमेंट तो हमारी फुलफिल होगी। उसके बाद डेट, यूजर एक डेट का फिल्टर ऐड कर सके और कैटेगरी का फिल्टर ऐड कर सके और सोर्स का फिल्टर ऐड कर सके। यहाँ पे हमारे पास क्या है, सोर्स यूआरआई, और इसके रिजल्ट में क्या आया हमारे पास, ये स्पॉट टीवी। क्या मैं यहाँ पे सोर्सेज ले सकता हूँ ताकि मुझे समझ लगे कि ये हमारे पास एटलीस्ट आर्टिकल्स आ गए, और 10 आर्टिकल्स मैंने कहे थे और 10 आर्टिकल्स मेरे पास आ गए हैं। काफी ज्यादा डाटा ये प्रोवाइड कर रहे हैं, बॉडी, टाइटल, और इसके लैंग्वेज कौन सी चूज की, मैं लैंग्वेज प्रोवाइड कर सकता हूँ इसको, ओके, ऑथर्स भी आ रहे हैं। लैंग्वेज कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं इसमें, इसमें लैंग्वेज ये है तो लैंग्वेज को मैं कैसे कर सकता हूँ, ये रही लैंग्वेज इंग्लिश। सबसे पहले तो मुझे लैंग्वेज का चाहिए, ETC मीन ऑल वी हैव टू नीड टू स्पेसिफाई ट्राई इन सैंडबॉक्स, सैंडबॉक्स को ट्राई करते हैं, गेट आर्टिकल्स दिस एंड दैट, पैरामीटर ये रहे, ओके, ये रहे फिल्टर, क्यूरी कर सकते हैं, नहीं तो ये कीवर्ड कॉन्सेप्ट दिस एंड दैट, मुझे लैंग्वेज ये दे, लैंग्वेज आ गई, और इसका मुझे क्या चाहिए, ये कोड चाहिए, और ये कोड जो है वो ENG है, तो मैं यहाँ पे आऊंगा, लैंग कह दूंगा, लैंग्वेज ENG, सेव, सेंड, और अब होपफुली सारे इंग्लिश के होने चाहिए, क्योंकि दूसरी जबान में तो मुझे समझ नहीं लगेगा तो इंग्लिश ही ठीक। उसके अलावा क्या चीज यहाँ पे चाहिए, क्या थी रिक्वायरमेंट, यहाँ पे वापस आते हैं, एक तो चले कीवर्ड और लैंग्वेज सही होगी, डेट, कैटेगरी और सोर्स चाहिए, क्या इस चीज को ये दे रहा, सोर्स यूआई, सोर्स है फाइंड आर्टिकल्स दैट हैव बीन पब्लिश्ड बाय अ न्यू सोर्स, इफ यू specify multiple source UI parameter then articles from any of the specified source will be the top auto suggest get value for a source name. Okay, ये है auto suggest
और ओके जबरदस्त हो गया। हमारे पास ये तीनों चीजें आ गई, कैटेगरी, सोर्स और ऑथर, और यही तीन चीजें हमें चाहिए थी। कैटेगरी, सोर्स और ऑथर भी है, डन है, यहाँ पे हम उसको इसमें भी दे देंगे, डन। ये तीनों चीजें यहाँ पे हैं। तो सबसे पहले मुझे इस एपीआई के थ्रू वो लेने पड़ेंगे चीजों को, कैटेगरी, सोर्स, ऑथर, लोकेशन, इवेंट टाइप, ये नहीं चाहिए। और अगर मैं इधर वापस आता हूँ तो मुझे डेट मेंशन करनी है, स्टार्ट डेट और एंड डेट। ये जबरदस्त है, कहाँ से कहाँ तक। इसका हम ये करेंगे कि यूजर को फील्ड प्रोवाइड कर देंगे डेट एंटर करने की फ्रंट एंड पे। अगर वो स्टार्ट डेट एंटर कर देता है ठीक है, अगर नहीं करता तो हम बाई डिफॉल्ट जो होंगे उसको 30 दिन तक का टाइम देंगे ताकि बहुत ज्यादा पीछे ना जाए। और एंड डेट जो होगी वो करंट डेट पे होगी, मतलब अगर वो प्रोवाइड कर देता है कोई वैल्यू, ऑब्वियसली वो एंड डेट भी जो है वो जो स्टार्ट डेट होगी उससे एक तो कम होनी चाहिए, एक दिन कम होनी चाहिए ताकि उस दिन के दरमियान के जो आर्टिकल्स हो वो हम कर सकें। और वो एंड डेट करंट डेट से होने, स्टार्ट डेट करंट डेट से एक दिन पीछे होनी चाहिए और 30 दिन तक हो सकती है पीछे। एंड डेट करंट डेट तक होनी चाहिए मैक्सिमम, और 29 दिन तक कम से कम हो सकती है ताकि एक दिन का वक्फा हर एक टाइम में रहे। अब ये ऑथर यू आई, सबसे पहले मैं ये जरा इनको करके कैटेगरीज वगैरह ले लूँ और इसको मैं सेव कर लेता हूँ, इसका रिस्पॉन्स सेव कर लेते हैं ताकि बाद में देखने के लिए आसानी हो। T1 कह देते हैं, टेस्ट 1। उसी तरह और इसको मैं खत्म कर रहा हूँ क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। वापस आते हैं, सजेस्ट इसको कॉल करना है, सॉरी इसको नहीं करना, इसको करना गेट कैटेगरीज फ्रॉम न्यूज API.AI, ये URL है। और इसमें है क्या पैरामीटर, सिर्फ API की और प्रीफिक्स, प्रीफिक्स रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ API की रिक्वायर है, तो मैं API की दे दूंगा। ये बस यही ठीक है, सेंड करते हैं और ये हमारे पास इसके रिस्पॉन्स आ गए। इसको मैं यहाँ पर सेव कर लूँगा, T1, और नेक्स्ट मूव करेंगे। मुझे सोर्सेस चाहिए, मैं इसको कॉपी कर लूंगा, इसको डिलीट कर दूंगा। सोर्सेस फ्रॉम दिस, और एंड पे सिर्फ ये चेंज होगा। सेंड करते हैं इसको, ये हमारे पास सोर्सेज आ गए, इसको सेव कर लेंगे T1 और सोर्सेस ओके, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। अभी आई थी उसको भी रिमूव कर दी, ब्लर कर दी, या रिमूव ही कर दी, यहाँ से कटिंग कर दी। इसको रीनेम करते हैं यहाँ पे, और मुझे चाहिए क्या, ऑथर्स चाहिए। और ऑथर्स सेंड, और ये ऑथर हो गया। और एक चीज मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ, प्रीफिक्स ये वगैरह,
इसको सेव कर लेते हैं। ये हमारा यहाँ तक का काम कंप्लीट हो गया। हमें क्या क्या चीज़ चाहिए थी, ये डेट, स्टार्ट डेट और एंड डेट, इसका मैं यहाँ पर ही ऐड कर देता हूँ ताकि एटलीस्ट जो हमारा काम है वो कंप्लीट हो जाए। हमने क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है, यूज़र क्या कर सकता है, कीवर्ड हो गया डेट, उसके लिए वो डेट मेंशन करेगा तो हम उस डेट के उसको स्टार्ट डेट मेंशन कर देंगे, लेकिन मैं उसको डेट रेंज दूंगा तो स्टार्ट डेट और एंड डेट इसको देख लेंगे हम। अदरवाइज स्टार्ट डेट यूज होगी जो उसने कहा, तो डेट यहाँ पे आते हैं वापस। इसने क्या कहा है हमें, हम स्टार्ट डेट दे सकते हैं और ये फॉर्मेट में होनी चाहिए इस फॉर्मेट में 24/06/01। एंड डेट अगर इसको सेंड करना हो तो करो, अदरवाइज ना करो। थर्टी लैक्स से यहाँ पे फाइंड आर्टिकल्स डैट, मुझे यहाँ पे ऑथर यूआरआई चाहिए। ऑथर यूआरआई हम यहाँ से ले सकते हैं, ऑथर्स में से जिस ऑथर का आर्टिकल चाहिए उसकी यूआरआई को देख लें, उनको ये पॉपुलर देख लेते हैं ताकि चले। नेक्स्ट मुझे सोर्स यू आर आई चाहिए और कैटेगरी यू आर आई चाहिए। सोर्स यू आर आई हम यहाँ से देख लेंगे, जो सोर्सेज हमने फेच किए थे ये रही डेली मेल और कोई एक पॉपुलर जो एटलीस्ट मुझे लगती है पॉपुलर वो देख लेते हैं। मैं जो नाम देख रहा हूँ जो सबसे अच्छा नाम लग रहा है उसको देख रहा हूँ यहाँ, जिसका अगर मुझे थोड़ा बहुत पता है। मुझे नहीं पता तो मैं फिर डेली मेल पे चला जाऊँ जो पहले आया। सोर्स ये हो गया और लास्टली कैटेगरी यू आर आई, कैटेगरी में जाएंगे और इसकी यू आर आई देख लेंगे। यहाँ से न्यूज़, बिजनेस, कंप्यूटर्स, गेम्स, दिस एंड दैट, इसको मैं अभी के लिए न्यूज़ पे रख रहा हूँ ये, और ये सारा सेंड करते हैं देखते हैं क्या होता है। सेंड, और कोई आर्टिकल्स नहीं आए, इसको सेव कर लेते हैं। आर्थर यू आर आई इसको मैं बंद कर रहा हूँ, ये बेसिकली दोनों का अल्टरनेटिव मैच करेंगे तो थोड़ा सा इशू हो सकता है। इसकी फीड में उन्होंने क्या कहा था, मैं सोर्स मेंशन कर सकता है ये वगैरह वगैरह, तो यहाँ पे हम डुप्लीकेट सोर्स भी दे सकते हैं जो कि अरे ऑफ स्ट्रिंग हो सकता है। ओके, मैं यहाँ पर इसको ये किया, इसको फिलहाल मैं सेव कर रहा हूँ। और अब मैं यहाँ पे ज़्यादा वैल्यूज पास कर रहा हूँ टेस्ट करने के लिए कि ज़्यादा वैल्यूज हमने कैसे पास करनी।
find articles that are assigned to particular. You can specify at most 20 categories in a single search. If multiple URI parameters are provided, then articles that are about any of the specified categories will be returned. Unless you specify ओके मैं यहाँ पर अब थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा हूँ, इसको कर रहा हूँ और कैटेगरी को भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। अगर मैं सिर्फ डेट को भी मैं इसको फाइन या थोड़ा एक मिनट डेट के साथ करते हैं सेंड और कोई आर्टिकल नहीं आए तो इसको भी मैं सेव कर रहा हूँ ताकि मैं देखता जाऊँ ओके क्या होगा T3। और अब मैं डेट को नहीं कर रहा स्पेसिफाई सेंड और अभी भी कोई आर्टिकल नहीं आए। और यहाँ पे आर्टिकल काउंट जो है वो मैं 100 कर रहा हूँ और ये मैं 31 कर रहा हूँ सेंड और अभी भी कुछ नहीं आया। इसको भी मैं सेव कर रहा हूँ T4 ओके। अब यहाँ पे क्या हो रहा है स्पोर्ट वर्ड की और ये न्यूज। अब कैटेगरी में मैं यहाँ से कैटेगरी से स्पोर्ट्स को भी पता रहा हूँ। यहाँ पे स्पोर्ट्स मैंने देखा था मेरे ख्याल से ये रहा उसकी URI ये है और न्यूज की URI ये ही थी। इसको क्लोज कर रहा हूँ और मेरे ख्याल से शायद ऐसे पास कर दूँ देखते हैं सेंड नहीं तो फिर कॉमा सेपरेटेड नहीं मैं दो URI पास करता हूँ देखते हैं क्या होता है। ओके ये चल गया और हुआ क्या है आर्टिकल्स कैसे इस पर फिलहाल सेव कर लेते हैं पहले। एक दो तीन चार पांच ये पांचवी है T5 मैं मल्टीपल वैल्यूज कैसे दे सकता हूँ। एक कैटेगरी UI है कैटेगरीज में आते हैं और इसमें ओके इस तरह गया। चलो मैं इसको देखना चाह रहा हूँ तो इसको डुप्लीकेट कैसे कर सकता हूँ स्पेस प्रोवाइड करके होता ही। पहले इसको सेंड करो 0 आप स्पेस करके नहीं अच्छा ये कर देते हैं इसको मुझे इसको जेसन स्ट्रिंगिफाई कर लेते हैं जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई और इस चीज को कॉपी करते हैं ओके। सेंड अच्छा ओके
ओके, मीन के जो डुप्लीकेट आपने सेंड करने हैं उनको अलग ही सेंड करना पड़ेगा, फिर ही और का ऑपरेशन लगेगा। ठीक है, ओके, ऐसे सेंड करेंगे। और अभी तो जीरो आएगा लेकिन अब ज्यादा आएगा। और इसी तरह ऑथर यूआई भी अगर चाहिए तो उसको भी डुप्लीकेट करते जाओ और वो आता जाएगा। होपफुली ये भी यहाँ पे भी ऐसे हो। जी वही है, और ऑथर यूआई का भी यही है मेरे ख्याल से। ठीक है, इसमें डन है, इसका भी ओके है। इन तीनों को हम, इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। सोर्स एंड ऑथर, और ऑथर में भी ये थोड़ी सी एक चीज ऐड कर देते हैं। सोर्स न्यूज था, आगे मैंने न्यूज को किया था ये डेली मेल को, और अब मैं इसको कर पासिंग मल्टीपल लाइक दिस विल परफॉर्म द और अदे ऑपरेशन ऑन दिस एंड आर्टिकल फ्रॉम एनी ऑफ दिस विल बी रिटर्न। ये इसका भी सेम है और इसका भी सेम। ऑथर भी एक बस ऐड कर देते हैं वैसे, ताकि कम से कम जो है वो खाली ना रहे। और इसी के साथ ये काम हमारा कंप्लीट हो गया। कीवर्ड को स्किप कर सकते हैं, कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, मीन जो स्टार्ट में होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ हम ये लैंग्वेज पैरामीटर देंगे, दैट्स इट, बेसिक बेसिक पैरामीटर, और वो हमें डाटा रिटर्न कर देगा। ओके, ये इसी के साथ हमारी जो ये वाली एपीआई थी वो हमने एटलीस्ट थोड़ी बहुत स्टार्टिंग लेवल तक हमने कर ली है। इसको क्लोज कर देते हैं अभी के लिए। नेक्स्ट अब हम स्टडी करेंगे न्यूज़ API.org की एपीआई को।